नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रमण्यम। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध मरीज की मौत के बाद आईसीयू को किया गया सील, चिकित्सक भी आईसीयू में हुए आइसोलेट। शहर के मंदिरों के नहीं खुले पट, मंदिरों को सैनिटाइज करने के बाद ही श्रद्धालु मंदिरों में कर सकेंगे प्रवेश। सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को मिल रहा आश्रय, सैकड़ों प्रकरणों को निपटाने में सेंटर की रही है अहम भूमिका। और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में बरती जा रही घोर लापरवाही, बच्चों से कराए जा रहे कार्य। और अब खबरें विस्तार से। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में रविवार की रात एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मरीज की मौत के बाद सुरक्षा के मद्देनजर मरीज का इलाज करने वाले चिकित्सकों को आईसीयू में ही आइसोलेट करते हुए आईसीयू और इसके आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। मेकोज में बीती रात एक युवक के संदेहास्पद स्थिति में मौत होने के चलते अस्पताल के चतुर्थ मंजिल में स्थित आईसीयू और उसके आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। युवक के मौत होने के बाद शहर में फिर से सनसनी फैल गई है। बताया गया है कि रायपुर से एक युवक बिना किसी को जानकारी दिए अस्पताल पहुंचा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। संदेहास्पद स्थिति में मौत होने के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड को सील कर दिया गया है। बताया गया है कि 45 वर्षीय युवक रायपुर से यहां पहुंचा था। उस मरीज को पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ के साथ ही पाचन क्रिया की शिकायत थी। शिकायत के बाद मरीज को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती किया गया था, जिसकी बीती रात इलाज के दौरान मौत हो गई है। कोरोना काल जैसे स्थिति में मरीज की संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद मेकोज प्रबंधन ने सुरक्षा के मद्देनजर आईसीयू को सील कर दिया है। इसके साथ ही प्रबंधन ने मरीज का इलाज करने वाले चिकित्सकों को भी उसी आईसीयू में आइसोलेट कर दिया है। इधर कल देर रात ही मृतक का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट शाम तक आने की बात कही गई है। फिलहाल मेकोज प्रबंधन को मृतक की रिपोर्ट का इंतजार है। बस्तर की बात, जगदलपुर। पुलिस द्वारा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद और अवैध शराब जब्ती की कार्यवाही की गई। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल क्रमांक CG04HJ3752 को लेकर संजय बाजार से दंतेश्वर मंदिर की ओर भाग रहे व्यक्ति का पीछा करते हुए उसे धर दबोचा गया। आरोपी प्रभाव शंकर मिश्रा शांतिनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निवासी बताया जाता है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया। एक दूसरे मामले में लालबाग ड्रीम इंडिया स्कूल रोड के पास एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर बैग में अवैध शराब रखकर परिवहन करने की जानकारी मिलने पर सिटी कोतवाली थाना स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम अतुल देवांगन बताया जाता है। वो लालबाग आमागोड़ा का निवासी है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कोरोना महामारी के चलते दूसरे राज्यों से मजदूर लौट रहे हैं। इन मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से प्रमुख मनरेगा है, जिसके अंतर्गत तालाब गहरीकरण, तालाब खुदाई और जमीन सुधार का कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन इन कार्यों में अनियमितताएं नजर आ रही हैं। मास्क सैनिटाइजर की भी व्यवस्था कार्यस्थल पर नहीं है। कई जगहों पर बाल श्रमिकों से भी काम कराया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खतरे के बीच दूसरे राज्य से लौटे मजदूरों को शासन द्वारा रोजगार देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मनरेगा प्रमुख है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर मजदूरों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में घोर लापरवाही और अनियमितता नजर आ रही है, जिसमें सरकारी नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी ही बड़ी लापरवाही ग्राम पंचायत बड़े मुरमा और डोडरेपाल में देखी जा सकती है, जहां तालाब चौड़ीकरण और खुदाई के कार्य में 8 से 14 वर्ष के बच्चों को कार्य करते हुए देखा जा सकता है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जबकि शासकीय निर्देशों के अनुसार सैनिटाइजर, मास्क, पीने का पानी आदि पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। वहीं मनरेगा में बाल श्रमिकों द्वारा कार्य कराया जा रहा है। गौरतलब है कि शासन द्वारा बाल श्रम को समाप्त करने की कई दिशा में कार्य किया जा रहा है।
इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में घोर लापरवाही और अनियमितता बरती जा रही है। शासन को चाहिए कि इस दिशा में कठोर कदम उठाए। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। शहर के दंतेश्वरी वार्ड के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजपाल कसेर और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर के नेतृत्व में वार्ड में स्थित गुंडाधुर पार्क के समीप सब्जी फल बाजार में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से हर व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना महामारी में अपनी सेवा देने वाले समस्त कोरोना वॉरियर्स को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और न्याय दिलाने के लिए शुरू किए गए सखी वन स्टॉप सेंटर का असर अब दिखने लगा है। सखी सेंटर में पिछले 4 साल में 500 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर कार्यवाही के अलावा पारिवारिक मामलों में भी सलाह दी जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे सखी वन स्टॉप सेंटर में प्रस्तुत किए गए ज्यादातर प्रकरणों को पक्षों को समझाइश देकर सुलझा लिया गया है। 20 मार्च 2017 से शुरू हुए केंद्र में अब तक लगभग 626 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 531 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। बाकी प्रकरणों का निराकरण किया जाना बाकी है। इन प्रकरणों में लगभग 215 प्रकरणों में पीड़ितों को आश्रय दिलाया गया है। हम आपको बता दें कि संपत्ति संबंधी मामले सामने आने पर 11 पीड़ित महिलाओं को उनके संपत्ति का अधिकार वापस दिलाया गया। दैहिक शोषण और व्यक्तिगत विवाद भी शिकायत केंद्र में दर्ज कराए जाने के बाद इसका समाधान किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी माधुरी यादव। सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को ही समस्या से निजात दिलाने के लिए ही इसकी स्थापना हुई है और यहाँ हर तरह की महिलाओं को परेशानी से, जो भी परेशानी उनको है उससे संबंधित महिलाएं अपनी समस्या को लेकर के समाधान के लिए आती हैं। विशेषतः पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा के मामले ज़्यादा आते हैं। तो हमारे पास, हमारा जो संस्था है वो 2017 मार्च से शुरू हुआ है और अब तक कुल 641 हमारे पास केस आ चुके हैं, जिसमें 562 जो प्रकरण हैं उनका हम निराकरण कर चुके हैं। और अस्थायी रूप से हमारे यहाँ महिलाओं को उनका स्थायी पता तक उनको नहीं हो जा पा रहे हैं तो हम लोग आश्रय भी देते हैं। तो 220 महिलाओं को इस अवधि में हम लोगों ने उनको दिया है, जिसमें हमारे पास 153 घरेलू हिंसा के मामले आए हैं। जो समस्याएं हमारे पास आती है उसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि काउंसलिंग से वो मामले सुलझ जाएं। पारिवारिक विषय होता है तो विवाद को न बढ़ाएं, चूँकि हमारी संस्था पूर्णतः पारिवारिक वातावरण को बनाए रखते हुए कार्य करती है और गोपनीयता इसकी प्रमुखता है, तो यहाँ की चीज़ें बाहर जाती नहीं है, किसी का कोई पहचान बाहर जाती नहीं है। यदि परामर्श 2 बार 3 बार, कई बार हम लोग 5 बार भी काउंसलिंग करते हैं, तो उस काउंसलिंग में भी यदि कोई समस्या का हल नहीं होता तभी वो न्यायालय की ओर बढ़ता है।
तो हम लोग हर तरह से दोनों पक्ष की समस्या को सुनते हुए उन्हें उचित सलाह देने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको सुधारते हैं तो परिवार आपका अच्छे से चलता है। कि ऐसे दब के घुट के अपने प्रति अत्याचार को सह के जीने का कोई औचित्य नहीं है, समस्या को बढ़ाना ही है। तो ऐसे ना जिए वो अपनी समस्या को, चलिए घर की बात है या मैं किससे कहूँ, ये ना सोचे। अगर कोई समस्या है तो उनकी समाधान के लिए, उनकी मदद के लिए ही हमारी संस्था बैठी है, तो हम तक जरूर आए वो। अगर वो खुद नहीं आ पाती हैं तो हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने फ़ोन नंबर देते हैं, कॉल करके भी बताएं तो हम पहुंच जाएंगे उन तक। कहने का आशय ये है कि वो अपनी समस्या को अपने तक ही ना रखें, उसके समाधान के लिए हमसे संपर्क करें किसी भी माध्यम से। हम हर प्रयास करके उनकी समस्या का समाधान देंगे और उनकी समस्या का अंत होगा और उनका जीवन बहुत अच्छे से खुशी खुशी चलेगा। सखीवन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को सलाह, सहायता, संरक्षण और आश्रय मिल रहा है। महिलाओं को न्याय दिलाने में काफी मददगार साबित हो रहा है ये। इसके अलावा कई दंपतियों की गृहस्थी भी टूटने से बच रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। 75 दिनों से बंद मंदिरों के कपाट खुलने का बेसब्री से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 8 जून को भी जगदलपुर शहर के मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुले हैं। प्रशासन द्वारा इन मंदिरों को खोले जाने के पूर्व साफ सफाई और पूरे परिसर को सैनिटाइज कराने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद ही मंदिरों के पट खुलने की बात की गई है। अनलॉक के द्वितीय चरण 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था, लेकिन 75 दिनों बाद भी जगदलपुर शहर के श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाया है। मंदिरों में केवल पुजारियों द्वारा ही पूजा पाठ किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए अभी भी कपाट बंद है। श्रद्धालु मंदिर पहुँच रहे हैं और कपाट बंद देखकर बाहर से ही माँ को प्रणाम कर वापस लौट रहे हैं। यही स्थिति सभी मंदिरों की है। शासन द्वारा मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की तैयारी की जा रही है। साफ सफाई के साथ ही पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्थानीय जगन्नाथ मंदिर परिसर को भी सैनिटाइज किया गया। हम आपको बता दें कि बस्तर में गुंचव महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा के बाद बस्तर का सबसे बड़ा पर्व गुंचव महापर्व है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते केवल परंपराओं का निर्वहन पुजारी द्वारा किया जा रहा है। श्रद्धालु शामिल नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने बताया, इस बार तो 2020 कोरोना कारण गोंचा विश्वाल उतना नहीं हो रहा है। अभी चंदन यात्रा हुआ 5 तारीख को, आसना से शालिग्राम मूर्ति लाए और 4-5 जन मेची बना रहे चंदन यात्रा, और उसके बाद आगे भी क्या करें सरकार का इच्छा है। अब गोंचा कितना वो करेंगे तो बस्तर में गोंचा महापर्व देव स्नान पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के बाद उन्हें ज्वर हो जाता है और उन्हें अंसर भवन में रखा जाता है, जहां पर 14 दिनों तक उनका उपचार होता है। नेत्रोत्सव के बाद वे श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते गोंचा महापर्व भी केवल परंपरा का निर्वहन करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। केवल 4 पुजारियों द्वारा आसना से शालिग्राम मंदिर लाया गया और स्थापित किया गया, और इसी तरह से इंद्रावती नदी से भी 4 पंडितों द्वारा ही जल लाकर भगवान जगन्नाथ का स्नान किया गया। और अब तक मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुले हैं, जबकि पूरे देश में 8 तारीख से मंदिरों के पट भक्तों के लिए खुल गए हैं, लेकिन बस्तर में अब तक मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुले हैं। लेकिन आज सुबह नगर निगम के द्वारा मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। उम्मीद है कुछ दिनों बाद श्रद्धालुओं को मंदिरों में दर्शन का अवसर मिल सकेगा। 75 दिनों बाद भी श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन नहीं मिलने से थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है। बस्तर की बात के लिए कैमरामैन रोहन नाग के साथ मैं श्रीनिवास रथ। इसी क्रम में मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर को भी सैनिटाइज किया गया। मुख्य द्वार के समक्ष ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है। पोस्टर के माध्यम से लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोने, मास्क लगाने और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही
मंदिर पहुंचने की जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी ने बताया, अभी शासन की तरफ से कोई आदेश आया नहीं है और खोलने के लिए पूरा व्यवस्था किया जा रहा है शासन के निर्देश के अनुसार। उनके आदेश आने के बाद ही मंदिर को खोला जाएगा दर्शन दर्शन। अभी जो कोरोना महामारी के चलते क्या व्यवस्था थी मंदिर की? कोरोना की महामारी के कारण क्या शासन की तरफ से व्यवस्था थी कि सवेरे शाम भोग के लिए प्रसाद दिया जाता था, फूल उल पूजा पाठ के लिए दिया जाता था, दोनों टाइम भगवान को पूजा करने के लिए फूल और प्रसाद वितरण किया जाता था। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद था। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर आना निषेध था। 8 जून को मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की उम्मीद में पूजा सामान, नारियल, फूल बत्ती, अगरबत्ती बेचने वाले अपनी अपनी दुकानों को सजाकर श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे थे। साल हो गया तो अभी जो कोरोना महामारी के चलते आपका धंधा प्रभावित हुआ होगा? बहुत कठिनाई गया, 2 महीना इसी घर में भूखे प्यासे सामान खाए दे खाने के लिए, लेकिन जैसे खाने वैसे नहीं था। अभी 8 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा बोले तो आज पूरा नारियल वाली सब बहन बैठे हैं, लेकिन खुला नहीं है गेट, सब पब्लिक बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं, परेशान है, सब पूछ रहे हैं हम लोग को भाई 8 तारीख को खुलेगा, अब हम लोग तो नहीं जान रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ऐसा बता रहे हैं कि अगर खुलेगा भी तो नए नियम के तहत प्रसाद चढ़ाना वर्जित रहेगा। प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तो हम लोग का कमाई धमाई का जरिया तो वही है नारियल फूल अगरबत्ती, अब वो नहीं चढ़ाएंगे बोल रहे तो हम लोग कैसे अपना जीना अपन करना है क्या करना है, अब सरकार बताएंगे हम लोग को, हम लोग तो लगा के बैठे हैं। और माता के दर में तो फूल नारियल ही मेन है, हिंदू धर्म में नारियल ही फूल चढ़ाया जाता है मंदिर में। लेकिन 8 जून को मंदिरों के कपाट नहीं खुलने से उन्हें निराशा हाथ लगी। और अब चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध मरीज की मौत के बाद आईसीयू को किया गया सील, चिकित्सक भी आईसीयू में हुए आइसोलेट। शहर के मंदिरों के नहीं खुले पट, मंदिरों को सैनिटाइज करने के बाद ही श्रद्धालु मंदिरों में कर सकेंगे प्रवेश। सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को मिल रहा आश्रय, सैकड़ों प्रकरणों को निपटाने में सेंटर की रही है अहम भूमिका। और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में बरती जा रही घोर लापरवाही, बच्चों से कराए जा रहे कार्य। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।